आज ये जो प्रेस वार्ता है ये बहुत ही एक गंभीर मामले के ऊपर हमने बुलाई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में एक याचिका दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों का भरोसा चुनावों पे और इस प्रजातांत्रिक प्रणाली पे बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनके अंदर VVPAT यानी कि कागज़ की पर्ची निकलने वाली मशीन भी लगाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी द्वारा दबाया गया जो बटन है और उनकी जो वोट है वो एक ही जगह जा रही है नहीं जा रही है, और सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को आदेश हुए थे कि सभी EVMs के अंदर VVPAT लगाए जाएं। 2017 के अंदर जब ये मामला दोबारा उठा और बड़े लेवल पे सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगे कि EVM की मशीनों के साथ छेड़खानी की गई है, उनकी टेम्परिंग की गई है और इस वजह से अलग अलग राज्यों में BJP जीती है और दिल्ली के MCD के चुनाव के अंदर भी BJP इसी कारण जीती है। इसके बाद एक याचिका बहुजन समाज पार्टी की और अन्य कुछ पार्टियों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इस चीज को इंश्योर करेगी कि 2019 में होने वाले आम चुनाव के अंदर हर EVM मशीन के अंदर VVPAT यानी कि कागज की पर्चियों वाली मशीन लगाई जाएगी। इस विषय में केंद्र सरकार ने एफिडेविट देके कहा था सुप्रीम कोर्ट में 2017 में कि हम इलेक्शन कमीशन को पैसा देंगे ताकि इलेक्शन कमीशन VVPAT मशीनें खरीदे। ये एक टाइमलाइन है जो आपको मैं बता रहा हूं कि कैबिनेट ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है वो इस पे आनाकानी कर रही थी और 2014 से लेकर 2017 तक उन्होंने पैसे तक नहीं दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने पैसे जमा कराए कि अब VVPAT मशीनें खरीदी जाएंगी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज एक दैनिक अंग्रेजी अखबार के अंदर यह छपा है कि अगर 2019 के आम चुनाव के अंदर आपको VVPAT मशीनें लगानी होंगी तो करीब 16.5 लाख VVPAT मशीनों की आवश्यकता है, जिसका हलफनामा केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उसके अनुसार ये 16.5 लाख VVPAT मशीनें सितंबर 2018 तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में पहुंच जानी चाहिए थी ताकि इनकी टेस्टिंग हो सके, इनके ऊपर प्रैक्टिस हो सके और 2019 में चुनावों के अंदर इस्तेमाल हो सके। जो अंग्रेजी दैनिक के अंदर आज खबर आई है वो हैरान करने देने वाली है और मुझे लगता है ये देश की चुनाव व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धोखा है कि मात्र 3,48,000 VVPAT मशीनें ही अभी तक आई हैं। इसका मतलब सिर्फ 22% VVPAT मशीनें आई हैं। इसका जो सार निकल रहा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है हमारी पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये है केंद्र सरकार ने पूरी साजिश करके, पूरी की पूरी मंत्रणा करके, पूरा का पूरा एक ये समझिए एक स्ट्रैटेजी बना के देश के चुनावों को मैनिपुलेट करने की और इसके अंदर गड़बड़ झाला करने की पूरी साजिश केंद्र सरकार ने कर ली है। जब केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने इन दो बड़ी कंपनियों को डी
ईवीएल और ईसीआईएल, बता दें कि ये दो कंपनियां बीएल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंपनी है, सरकार की कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है, और ईसीआईएल एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है। जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम 16.5 लाख मशीनें सितंबर 2018 तक दे देंगे, तो इसका मतलब खेती की तरह नहीं होता है कि किसान ने खेत जोत दिया, बीज डाल दिए और फिर बारिश का इंतजार हुआ कि बारिश हो गई तो फसल हो गई, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ये एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करने वाली बड़ी बड़ी केंद्र सरकार की संस्थाएं बाकायदा अगर सितंबर का ऑर्डर दिया हुआ है और ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सितंबर तक 16.5 लाख मशीनें दे देंगे, तो आप समझिए एक एक चीज की प्लानिंग करी गई है उस कंपनी के अंदर कि इतनी तारीख तक रॉ मटेरियल आ जाएगा, इतने लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शेड्यूल बना होगा, इतने दिनों में इतनी मशीनें दे देंगे, इतनी दिनों में ये पार्ट बन जाएगा, इतने दिनों में ये पार्ट बन जाएगा, इतने दिनों में इसको असेंबल किया जाएगा, इस तरीके से डिलीवरी करी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी आनी थी 16.5 लाख मगर 2.5 लाख ही 3 लाख ही आई है, ये ऐसा नहीं होता इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर, और इतने इंपॉर्टेंट विषय के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप कह दें कि जी नहीं हो पाया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार रच रही है कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जो चुनाव कराए जाएंगे उसको पूरी तरीके से गड़बड़ छाला करके उस चुनाव में तय कर लिया गया है आज ही कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से दोबारा जिताया जाएगा और कोई सवाल ना उठा पाए, इसलिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जाएगा। संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस किस तरीके से अन्य पार्टियों से, क्योंकि संजय जी अन्य पार्टियों से सांसद के अंदर सांसदों से बात करते हैं, आगे की जो हमारी रणनीति होगी उसके ऊपर संजय जी बात। आप लोगों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर देखा था कि हमारे विधायक सौरभ भरद्वाज जी ने पूरा डिटेल में ये दिखाया था, मशीन का प्रदर्शन करके दिखाया था कि कैसे एक पुरानी मशीन में आप वोट किसी को डालिए, वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और अगर आप पूरे देश की घटनाओं का मूल्यांकन करें और पूरे देश की घटनाओं को याद करें, चाहे वो कानपुर के नगर निगम के चुनाव की घटना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के भिंड की घटना हो जिसमें डीएम ने अपने सामने देखा कि मशीन में वोट किसी को डालिए वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो धौलपुर राजस्थान की घटना हो या महाराष्ट्र में पुणे की घटना हो, सारी घटनाओं में एक बात की समानता दिखी कि मशीन में कोई भी गड़बड़ी होती है वोट ना तो कांग्रेस को जाता है, ना आम आदमी पार्टी को जाता है, ना बीएसपी को जाता है, ना सपा को जाता है, वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि मशीनों के जरिए धांधली करके चुनाव जीतने का खेल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है, और यही चिंता आम आदमी पार्टी की है, यही चिंता दूसरे राजनीतिक दलों की है। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, हमको आप खारिज कर सकते हैं, सौरभ भारद्वाज जी ने जो विधानसभा के अंदर करके दिखाया उसको भी आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट को आप खारिज नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने और सरकार ने वादा किया था, एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था कि हम सितंबर 2018 तक 16 लाख मशीनें ले आएंगे,
वीवीपैट की और पर्ची निकलेगी, लोग जानेंगे किसको वोट दे रहे हैं और ऐसा ही चुनाव पूरे देश में होगा। अगर ये शपथ पत्र आपने सुप्रीम कोर्ट को दिया है तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया उस दिशा में, चुनाव आयोग ने क्या किया उस दिशा में, क्योंकि अब तक तो मात्र 22% मशीनें ही आप ला पाए। इसका मतलब कि अगर आज केंद्र की सरकार दिसंबर में चुनाव कराने के लिए कोई पहल करे या जनवरी फरवरी में चुनाव कराने की कोई पहल करे तो चुनाव आयोग वीवीपैट से चुनाव नहीं करा पाएगा, फिर उन्हीं पुरानी मशीनों से चुनाव होगा और फिर उन्हीं पुरानी मशीनों के जरिए धांधली होगी। वोट किसी को डालिए, वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं चुनाव आयोग से, देश की सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि अपनी जिद छोड़िए। दुनिया के तमाम विकसित देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, दुनिया के तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अपनी जिद छोड़िए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईमानदारी से चुनाव कराइए। ये धांधली करने का धंधा छोड़कर निष्पक्षता के साथ इस देश के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें, ऐसी चुनावी व्यवस्था आप लेकर आइए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनाव प्रणाली में अगर निष्पक्षता नहीं रहेगी, अगर ईमानदारी नहीं रहेगी, तो फिर दुनिया में भारत की साख लगातार दूसरे विषयों पर तो गिर रही है, चुनावी धांधली के मामले में भी आपकी साख पूरे दुनिया में गिरेगी। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को ईमानदार बनाने के लिए चुनाव आयोग को और इस देश की सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अगर वीवीपैट की मशीनें आप नहीं ला पाए हैं, नहीं मिल पाई है आपकी वीवीपैट की मशीनें, तो पुरानी मशीनों से चुनाव कराने के लिए, जो मशीनें रिजेक्ट हो चुकी हैं, जिन मशीनों में धांधली की एक नहीं 1000 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, उन मशीनों का इस्तेमाल करके चुनाव कराने की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, लगभग 18 राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस हो, CPM हो, CPI हो, इवन JDU हो, तमाम राजनीतिक दलों ने वीवीपैट को लेकर, सपा हो, बसपा हो, सब ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन पार्टियों से भी मैं संपर्क करूंगा, उनके नेताओं से भी संपर्क करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा, संसद में उनसे बात भी करूंगा कि कम से कम इस मसले पर चुनाव आयोग में एक सार्वजनिक, एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध करें, उनके ऊपर दबाव बनाए इस प्रकार का कि वो निष्पक्षता के साथ बैलेट पेपर से देश में चुनाव कराएं। इस प्रकार की भी कोशिश मैं करूंगा।